ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। दूसरी तरफ ग्रामीण उपभोक्ता लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। लो वोल्टेज की समस्या से परेशान तहसील मिश्रिक के गांव सरसई के उपभोक्ता सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र सौंपकर लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मिश्रिक पावर से उनके गांव की सप्लाई जुड़ी हुई है, लेकिन बिजली विभाग रामकोट फीडर से उनके 15 गांव जोड़े जा रहे हैं, जिससे उनके गांव में लो वोल्टेज की समस्या बन गई है। इसी को सही कराए जाने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र सौंपकर सही कराए जाने की मांग की है। समस्या हम सरसई से आए हैं सर। हमारी समस्या ये है कि मिश्रिक पावर हाउस से हमारा गांव जुड़ा हुआ है। रामकोट पावर हाउस के 15 गांव जो हैं हमारे फीडर से जोड़े जा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती रातों रात उसमें जो है लाइन जो है रात में चढ़ गई। और ऐसे जय साहब कहते हैं हमारा एस्टीमेट होता है, अब उनका एस्टीमेट कहाँ गया है, ये सब ये समस्या हमारी। तो इससे दिक्कत क्या आ रही है? हमारी दिक्कत सर ये आ रही है, वोल्टेज हमारा ऐसा कम आ रहा है, समर नहीं चल पा रहे हैं। तो जब 15 गांव जुड़ जाएंगे तो और समस्या कैसे गांव चलेंगे हमारे, तार ऐसे चू जाते हैं। रामकोट से जुड़े जाते हैं, में जुड़े जा रहे हैं। जब उनकी रामकोट चल रही थी तो हमारे यहाँ से क्यों जोड़े जा रहे हैं, ये समस्या है। मांग हमारी ये है वो गाँव हमारे इससे न जोड़े जाए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।